हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फ्रूट्स रायता की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये फ्रूट्स रायता जो है कैल्शियम मिनरल से भरपूर रायता है। तो हमने बूंदी के रायते, दूधी के रायते, काकड़ी खीरे की रायते तो बहुत बना लिया। आज हम फ्रूट रायता बना के दिखा रहे हैं। इस रायते को आप लास्ट तक देखिए। अगर आज की मेरी ये फ्रूट रायते की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम फ्रूट्स रायता बनाना शुरू करते हैं। फ्रूट्स रायता बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है 1 कटोरी दही, यानी कि ये 200 ग्राम दही है। ये एकदम ताजी दही है। जीरा पाउडर, काला नमक, मौसमी का छिलका हटा के हमने उसके गुद्दे निकाल लिए हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स को हमने बारीक बारीक काट लिया है। शक्कर, बनाना, इलायची पाउडर, अनार के दाने और ग्रेप्स को हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे और उसमें दही को डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम गाढ़ी और ताजी दही है हमारी। अब हम इसे एक मिक्स से अच्छे से मिक्स करेंगे। एकदम स्मूथ कर लेना है हमें दही को। तो आप देख सकते हैं हमने दही को एकदम स्मूथ बना लिया है। एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो देखिए दही मेरी एकदम स्मूथ हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सभी फ्रूट्स को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रेप्स डाल रहे हैं जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। अनार के दाने, मौसमी के फल, बनाना को हम डायरेक्ट पील करके और इसी में काट देंगे। क्योंकि बनाना काटने के बाद काला पड़ जाता है तो हम डायरेक्ट इसमें काटेंगे और मिक्स कर देंगे। तो बनाना को हम बीच से ऐसे एक बार दो हिस्से में कर लेंगे। फिर इसका एक ऐसे कट लगा देंगे और ऐसे हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। क्योंकि राउंड में काटने पे बनाना जो है बड़ा बड़ा हो जाता है। तो हमने बनाना भी काट लिया। अब एक बार हम सभी फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो दही खट्टी हो तो उसको कवर करने के लिए हम इसमें 1 चम्मच शक्कर डाल रहे हैं। आपकी दही ज्यादा खट्टी हो तो 2 चम्मच कर दीजिए, लेकिन ये ताजी है तो हमने यहाँ पे 1 ही चम्मच डाला है। और फ्लेवर को फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम यहाँ पे 4 बड़ी इलायची के छिलके हटा के दरदरा कूट लिए हैं, उसे डाल दे रहे हैं। साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक। दही में काला नमक हो तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं। और 1/4 चम्मच हम भूना जीरा पाउडर डालेंगे जिसे हम रोस्ट करके और मिक्सर जार में पीस लेते हैं, तो इसे हम डाल देंगे। और साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा से हम गार्निशिंग करेंगे। बस अब अपना फ्रूट रायता मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से दही में मिक्स हो जानी चाहिए। गर्मी का सीजन हो और ठंडा ठंडा रायता हो तो क्या कहना। हमने ककुम्बर, बूंदी, दूधी सबके रायते तो खा लिए। आज हम विटामिन से भरपूर फ्रूट रायता बना रहे हैं, तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा अनार के दाना डालेंगे
और साथ में हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से इसे गार्निशिंग कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी फ्रूट रायता तैयार होता है। फ्रूट्स रायता बनकर तैयार है। इसे आप फ्रिज में चील करके ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। ये बहुत ही टेंटिंग लगता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।